और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 3-3.5 महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी तुमने ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है, इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले। जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए हैं, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा यहाँ पर, और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 का साल का कार्ड दे रहा हूं रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड मिलके था, सॉरी छत्तीसगढ़ मिलके था, तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया, ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर
आईआईएम इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, भाई 2 करोड़ कौन बोले, मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, बोले तो 18 करोड़ नौकरियां दिए क्या आपको, कैसा नहीं झूठ बोल रहे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री होके उन्होंने 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं आप 2 करोड़ नौकरियां, 18 करोड़ नौकरियां लेकर आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप झूठ होंगे या तो वो झूठ होंगे। कौन झूठ है, मोदी 15-15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा बोले, मिले क्या आपको। अरे ये तो प्रधानमंत्री झूठ कैसा बोलता भाई, ये तो प्रधानमंत्री बोले सो बात है, तो प्रधानमंत्री झूठ है, झूठ है। और किसानों का दाम, अरे गब्बट हो भाई तुम, क्या वो खुद ही दिखाते हैं अपने, उसी लिए तुम बोलने की जरूरत ही नहीं। दो, और उन्होंने वहा किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई, ये किसने बोला था, मोदी ने बोला था। ये सच है झूठ है, झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा, और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल बोलकर उन्होंने अब वोट लिए हैं, लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते।